गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और आज दिखा रही हूँ मैं आपको अपने घर के बाहर का व्यू। आज है संडे, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, 2 अक्टूबर है। और आज हमें स्कूल जाना है, बच्चों के एग्ज़ाम नोटबुक भी दिखानी है। और आज शाम को हमने रखा है कीर्तन, लेकिन वो रखा है मैंने कीर्तन मंडली की अध्यक्षा जी के यहाँ, क्योंकि हमारे घर जगह नहीं है। तो अब पहुँच चुके हम स्कूल में और यहाँ पर हो रहा है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के साथ ही यहाँ पे हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़ोटो के आगे दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे और उनको माल्यार्पण करेंगे। और जैसा कि हमारे बच्चों के अभी रिसेंटली एग्ज़ाम ओवर हुए हैं, तो आज उनकी नोटबुक भी चेक कराई जाएंगी। पेरेंट्स को बुलाया गया है कि वो आके अपने बच्चों के परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने कितना किया है, कितना नहीं किया है, कितने पेरेंट्स को उनमें अभी मेहनत करनी है, और जो भी मिस्टेक बच्चे ने की है पेरेंट्स को नोटबुक में दिख जाती है, और उसके अकॉर्डिंग सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को मेहनत करते हैं, जिससे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ बच्चे भी आए होंगे, पेरेंट्स भी आए होंगे, तो देखते हैं उनको कितने कितने पेरेंट्स आए हैं। तो चलते हैं बाहर। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स, सभी अपने अपने बच्चों की नोटबुक देखते हुए, सभी अपने बच्चों की नोटबुक देख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और एक बच्चे की नोटबुक देख के उसे समझाते हुए मैं भी आगे, काफ़ी पेरेंट्स आए हैं, कुछ अपने बच्चों की शिकायत कर रहे हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं। तो बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो थोड़ी बहुत शैतानियाँ भी करते हैं, कोई कोई मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानता है। कोई बात नहीं, जब अक्कल आती है तो बच्चे सब समझ जाते हैं। और यहाँ पर सोनाक्षी नोटबुक देखते हुए अपनी, पेरेंट्स नहीं आए हैं इसके, और ये खुशी है, खुशी के पापा भी उसकी नोटबुक देख रहे हैं, उसे कुछ समझा रहे हैं, उसकी मिस्टेक बता रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बच्चों की समझ में आ जाता है देख के। और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स और हैं, सभी अपने अपने बच्चों की नोटबुक देख रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को समझा रहे हैं, कुछ टोक भी रहे हैं। और अदिति ने देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्हेल और स्टार फिश बनाई है, या स्टार है, बहुत ही सुंदर है इसकी ड्राइंग। और यहाँ पे ये आराध्या की मम्मी भी हैं, तो आंटी भी यहाँ पे टेबल बेंच संभालते हुए। और अब हम भी चलते हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है, जैसा कि सभी पेरेंट्स जा चुके हैं और ये लास्ट पेरेंट्स बच्चे हैं हमारे, और ये भी अपने बच्चों की नोटबुक देख के आप तैयारी कर रहे हैं जाने की। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने तीनों कमरे, कि मेरे कमरे में कहीं भी कोई जगह नहीं है कि मैं कीर्तन करवा सकूँ। तो देखिए, ये है मेरा फर्स्ट रूम, ये मेरा बेडरूम है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप अलमारी, और ये थोड़ी सी एक गैलरी है, और ये देखिए यहाँ भी ये एक लकड़ी की अलमारी लगी हुई है, उसके ऊपर ही हमने टीवी रखा है, और ये हमारी थोड़ी सी गैलरी है। तो इस रूम में भी कहीं कोई जगह नहीं है, आप देख रहे हैं, ये देखिए। और अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और दिखाती हूँ मैं आपको सेकंड रूम। सेकंड रूम में भी ये देखिए एक बेड लगा है, यहाँ पे श्रेयस जी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और यहाँ पे इनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं रहता है। और तो ये देखिए यहाँ पे भी एक दीवान लगा है, सोफे की दो कुर्सी लगी है, और ये थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे भी कीर्तन नहीं हो सकता है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको थर्ड रूम। तो ये है मेरा तीसरा रूम, और यहाँ पे भी एक अलमारी, ये पे बच्चा है कंप्यूटर, और ये लगा है, दो बेड लगे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल जगह नहीं है। और ये वॉल है हमारी, ये मेरी बेटी ने बनाया है, रिया ने, ये देखिए ये पेंटिंग की है, और यहाँ पे इसने फ़ोटो लगाई है अपनी, अपनी बहनों की, भाई की, और ये मेरी और उसकी है। सबसे ऊपर साफ दिखाई नहीं दे रही, लाइट चमक रही है, और ये सारा उसी का है। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए उसने बनाया था मदर्स डे पे, जब वो 12th में थी उस समय उसने ये बनाया था, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और ये देखिए ये है हमारा बरामदा, वहाँ पर भी एक दीवान लगा है, और ये किचन की गैलरी,
ये एक सोफ़ा है और टेबल है यहाँ पे। अगर मैं इस सामान को इधर उधर एडजस्ट भी करना चाहूँ तो तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि किचन में भी जाना ही होगा और इधर उधर भी जाना ही होगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है। और गेट हमारा है एकदम रास्ते पे, ये देखिए मैं पर्दा हटा के दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए एकदम रास्ता है, तो एकदम रास्ते पे भी करना अच्छा नहीं लगता है। आगे वाह तुम्हारी इंतजार करूँ छा भाई, तो आ चुकी है मेरी जेठानी जी और कार्यक्रम चालू है। नमस्कार, कार्यक्रम चालू मैं नाल जानी तो मैं लता नी। नमस्कार सभी लोगों को जो भी देख रहे हैं। हमन बाल पहल तुम तो सूट कर लाया अम्मा, वहां बात बैठो ना, बैठो ना तब बैठो 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 इधर ले के ले इधर प्रोग्राम अध्यक्ष जी के। अच्छा मिल वाले को चली गई दीदी थाला लेके प्रसाद वगैरह लेके, चलते हम भी। गौ माता आ गई रोटी खाने, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं अब तक खड़ी रहेगी बेचारी, कर भी क्या सकते हैं, है ना। और ये है हमारा रास्ता, ये है हमारी छत, ये देखिए ये हमारी छत है, कपड़े सूख गए और चलते हैं। रास्ता दिखाती हूँ मैं आपको, पहाड़ों में ऐसे ही होता है, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ाई चढ़ाई, बस चले भी नहीं जाओ। ठीक चुकी है यहाँ पे कीर्तन की समाप्ति और सभी लोग ले रहे हैं प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद सभी जा चुके हैं अपने घर, सभी जा रहे हैं और हम भी चलते हैं अपने घर, लेते हैं आपसे विदा। और यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगी। तब तक आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।